अगर आप भी जल्दी अमीर बनने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। अगर आप भी सफलता के शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। ये सुनकर ये मत समझिएगा कि हम आपको किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये मत समझिएगा कि हम आपको किसी नई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में आपको घसीटेंगे, बल्कि ये खबर ऐसी है कि आपका दिमाग खुल जाएगा और आप शॉर्टकट से तौबा तौबा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक हसीन डॉक्टर अमेरिकी जांच एजेंसी की टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुकी है। वही हसीना जिसे क्रिप्टो क्वीन कहते हैं, नाम है रुजा इग्नातोवा, जो कि बुल्गारिया की रहने वाली है। बाजार में जब बिटकॉइन आया, उन्होंने भी वन कॉइन के नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। रूजा की ओर से दावा किया गया कि भविष्य में वन कॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी और लोग इससे मालामाल हो जाएंगे। वन कॉइन क्रिप्टो स्कैम की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। उस समय रुजा इग्नातोवा लंदन से लेकर दुबई तक वन क्वाइन क्रिप्टोकरेंसी पर सेमिनार का आयोजन करती थी। अपने हर सेमिनार में वो दावा करती थी कि एक दिन वन क्वाइन दुनिया की नंबर वन क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ देगी। दुनिया के कई देशों के लोगों ने उनके सेमिनार से प्रभावित होकर वन क्वाइन निवेश भी किया था। लोग रुजा की बातों से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वन क्वाइन के पास वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिस पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी काम करती है। आपको बता दें, रुजा ने वन क्वाइन की शुरुआत करते समय उसे ब्लॉकचेन से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर कोशिश सफल नहीं होती, ये तो आपको भी पता है। फिलहाल रुजा पर धोखाधड़ी के 8 मामले दर्ज हैं। उन पर आरोप है कि रुजा इग्नातोवा की कंपनी ने क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए दूसरों को लुभाने के उद्देश्य से एजेंट्स को कमीशन देने की पेशकश की थी। रुजा इग्नातोवा पर वन कॉइन क्रिप्टोकरेंसी के जरिए लोगों की कमाई लूटने का आरोप है। बताया जाता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी रुजा ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर लोगों को 32,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। अब वन क्वाइन के पास ब्लॉकचेन तकनीक नहीं होने की खबर बाजार में फैली तो रुजा अंडरग्राउंड हो गई। तब से लेकर आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। सालों 2017 से रुजा का कोई अता पता नहीं है। खबरों के मुताबिक उन्होंने बुल्गारिया से ग्रीस की फ्लाइट पकड़ी थी, उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। FBI ने रुजा इग्नातोवा की जानकारी देने वाले को $1,00,000 इनाम देने की भी घोषणा की है। मतलब ये कि रुजा ऐसे तो किसी को अमीर नहीं कर सकती, लेकिन गिरफ्तार होते होते किसी ना किसी को तो अमीर कर ही जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।